जोन प्लीज बनाइए, प्लीज बी सिविलाइज्ड एंड थोड़े से अच्छे से आप खुद को अगर संभाल सकते हैं तो यहाँ हमारा नेचर है, इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है, प्लीज उसको बिगाड़ेगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द्रास ऑनलाइन की पेज। बात करते हैं कि टूरिज्म की, द्रास में जिस तरह हीना टूर एंड ट्रैवल के साथ बी मिडोस और द्रास ऑनलाइन की टीम और जिसमें वाइल्ड लाइफ और नेचर ट्रेल्स के लोगों ने मिल के एक इनिशिएटिव उठाया है कि द्रास को एक्सप्लोर करना, तो इसी तरह एक सिलसिला चलते रहा है। और हम पहले तो थैंकफुल हैं कि हीना टूर एंड ट्रैवल के अभी इस जगह पे बैठे हैं और हमारे साथ कुछ हमारे गेस्ट भी जुड़े हैं आज, जो दिन भर इनको हम लोगों ने ये द्रास के कुछ साइट सीन है, जो खास का साइट सीन पहले जो हमारा मनमन टॉप हुआ, उसके बाद मुश्कु वैली वाइल्ड ट्यूलिप्स ब्राउन बियर के लिए मशहूर है और साथ ही साथ और हमने उसके बाद कारगिल वार में मेरी जो फेमस है, इसी के चलते हम यहाँ हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़े हैं। तो थैंक यू सर, सबसे पहले तो आपका वेलकम करते हैं द वर्ल्ड सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस एंड गेटवे ऑफ लद्दाख। कैसा लगा सर द्रास, क्या कहना चाहते हैं जो लोग आना चाहते हैं? बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे और आप लोग ने जो हमें दिखाया सब बहुत ही अच्छा लगा हमें। कारगिल वॉर मेमोरियल के लिए तो बोलने का कुछ जा भी नहीं है, शब्द ही नहीं बोलने के लिए बोलने। पर ये जो एक्सपीरियंस है ऐसा लग रहा है ये दो दिन कितने सालों के बाद भी इतने याद रहेंगे कि किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए। लद्दाख की ट्रिप में ये डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहिए, बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू सारे हो तो पीस ऑफ माइंड इज ऑल्सो नेसेसरी। यहाँ पे जो सीनरीज है, जो व्यूज है, इट्स वेरी पीसफुल। मन को इतना अच्छा शांति मिलता है कि देखो तो आधे घंटे कहाँ निकल जाता है पता भी नहीं चलता। और ऊपर से आज जहाँ जहाँ पे हम लोग गए मुश्को वैली में, वहाँ पे एक नदी बहती है, वहाँ पे एक पत्थर जैसा था, वहाँ पे बैठ के जो शांति मिला, सुकून मिला है, आई डोंट थिंक कि मेरे को मुझे अभी तक कहीं भी महसूस हुआ है अभी तक तो ट्रिप में कहीं पर। खुद को ढूंढ लिया हमने अंदर 10 मिनट जो हम वहाँ पे शांति से बैठे, हमको ऐसे लगा हमारी अंतरात्मा से हमने बात कर ली। It was really beautiful, very very nice. Thank you. किसी को भी लद्दाख आना है तो द्रास में एक दिन पक्का रुकना चाहिए। चारों बाजू माउंटेन है, आइस से भरे हुए, स्नो भरे हुए है और बीच में आपको रहने का जो एटमोसफेयर मिल रहा है वो सुपर है। साइट सीइंग करना है तो ऊपर माउंटेन के ऊपर जाइए, वहाँ से जो ऊपर से जो व्यू दिख रहा है पूरा द्रास का, टाइगर वैली का, वो सुपर है। और जो कारगिल मेमोरियल बनाया हुआ है, हेड्स ऑफ टू कारगिल फाइटर्स, वहाँ देख के अपने तुम्हारे खड़े हो जाते हैं कि वो लोग ने इतनी मेहनत की थी, उसके वजह से हम लोग यहाँ पे आज वे जगह पे आ सकते हैं जो लद्दाख अपने इंडिया का पार्ट बचा हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस कारगिल वॉरियर और सुपर बना हुआ है। यू शुड मस्ट विजिट कारगिल वॉर मेमोरियल वंस यू विजिट द लद्दाख। यही कहने जा रही थी, यहाँ पे जो नो प्लास्टिक जोन प्लीज बनाइए, प्लीज बी सिविलाइज्ड एंड थोड़े से अच्छे से आप खुद को अगर संभाल सकते हैं तो यहाँ हमारा नेचर है, इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है, प्लीज उसको बिगाड़ेगा नहीं। यहाँ पे आइएगा, एंजॉय करिएगा, अच्छे से रहना और बर्फ को लेकर जाना यहाँ से, पर मजा आ गया। अब बम्बई से ही आए हैं और हम लोग ने लद्दाख का ट्रिप किया है तो उसमें ट्रास करके किसी को मालूम ही नहीं था कि इधर आना चाहिए इसे, लेकिन हम लोग हमारे हीना टूर्स वाले ने बताया कि नहीं ये जगह बहुत अच्छा है, इसके लिए हमने इंक्लूड किया ट्रास आने के लिए। लेकिन हमको बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा प्लेस है और हम लोग को किसी को भी इधर आना ही चाहिए लद्दाख की ट्रिप प्लान करेंगे तो। हाय, आई एम द्वानी, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड सो वी वर वेरी कीन टू विजिट लेह लद्दाख एंड वी वर सजेस्टेड, हीना सजेस्टेड अस दैट यू नो यू शुड विजिट द्रास वैली, इट इज़ अमेजिंग, देर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट एंड यू नो द रोड्स एंड एवरी थिंग इज़ यू नो रियली नाइस एंड द प्लेस इज़ रियली एक्सेसिबल नाउ। सो वी जस्ट यू नो वेंट विद द फ्लो एंड वी केम हियर एंड वी वर लेफ्ट स्पेल बाउंड। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, इट्स अ मस्ट विजिट। There's something called Muskoka Valley over here which has wild tulips. You just have to come here and you know see it for your own self, you know, with your own eyes. It's mind blowing. So yeah, highly recommend this place, highly recommend Dras Online. They really you know showed us around very very well. They gave us you know a little bit of history about the place and you know they showed us the hidden gems so to say, and we were amazed and yeah, it's a must visit. So thank you.
फ्रॉम मेनारिया और मैं हिना टूर एंड ट्रैवल से मैनेजिंग डिपार्टमेंट से। तो ग्रुप लेके आए हैं द्रास के लिए आज, आगे का सफ़र है लेह लद्दाख का। तो बहुत ही अच्छा फील किया हमने यहाँ पे। हम भी यही चाहते हैं कि नया नया साइट सीन रहे हमारे बीच में, ताकि हम हमारे पैसेंजर सभी खुश रहे और काफ़ी अच्छे से हमारा ट्रैवलिंग एजेंसी चले, ठीक है। और इसके बीच हमने जो यहाँ के लोकल गाइड है इनसे भी हमारा कॉन्टेक्ट हुआ, इनसे हमने जो है हमारे पैसेंजर को घुमाया इन्होंने। और आज का जैसा मुनमुन टॉप, मस्को वैली और जो कारगिल मेमोरियल म्यूजियम था, ये सब देखे हमने आज। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का हिस्टोरिकल सुन के, सब देख के। और ओके, थैंक यू वेरी मच। और खासकर यहाँ की लोकल जो सलीम भाई है, आपको कि आपने सभी पैसेंजर को इतने अच्छे से घुमाया। तो नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह हमने यहाँ पे फीडबैक लेने की कोशिश की, कि किस तरह फीडबैक रहा है खासकर द्रास के बारे में, खासकर ये पूरा जो है लद्दाख जो है रीजन, इस रीजन के बारे में हमने पूरे जहाँ के जो हमारे गेस्ट आए थे उन गेस्ट के हवाले से हमने बात करने की कोशिश की। तो उनका भी यही कहना है, उनका भी यही कहना है कि द्रास आइए, ज़रूर एक बार आइए। लेकिन द्रास के लोगों के लिए एक मैसेज, बहुत ही अच्छा एक मैसेज यहाँ पे छोड़ के गए हैं कि अपने जो लैंडस्केप से यहाँ नेचर को डिस्टर्ब न की, सफाई का खास ख्याल रखें, प्लास्टिक फ्री रखिए। ये काफ़ी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर हम जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी नाज़रीन हमें द्रास ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।